नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। जनपद हरदोई के ब्लॉक अहिरोरी की ग्राम सभा डही के मजरा सलेमपुर में भडायल ड्रेन नहर पर पुल निर्माण की मांग करते हुए किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राजू के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ हवन कर नेताओं व अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि आजादी के बाद से आज तक सलेमपुर गांव के लोगों को पुल के नाम पर नेताओं द्वारा छला गया। केवल चुनाव में तो वादों की झड़ी लग जाती है, उसके बाद इस गांव की सुधि लेने वाला कोई नहीं होता। इस मुद्दे को भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन द्वारा पिछले कई महीनों से यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। दर्जनों बार जनपद के जिम्मेदारों को ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन पुल निर्माण की व्यवस्था न हो पाने से नाराज किसान नेता पुनीत मिश्रा ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह के नेतृत्व में नहर पर हवन पूजन कर नेताओं व अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राजू ने कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा जी ने जब से संगठन की बागडोर संभाली है, तभी से इस पुल निर्माण की समस्या को जनपद के अधिकारियों के संज्ञान में बराबर लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कड़ी मेहनत कर पुल निर्माण का बीड़ा उठाया है। मैं सरकार, क्षेत्रीय मंत्री, विधायकों, प्रधान आदि से निवेदन एवं विनती करता हूं कि वह ऐसी समस्याओं को पहले ध्यान में रखने का प्रयास किया करें और ऐसे कार्यों को प्रमुखता से कराया करें। अगर इस पुल निर्माण के बारे में जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो आगे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन द्वारा और बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके बारे में आज लखनऊ से आए शारदा नहर विभाग सीनियर अधिशासी अभियंता रामकृष्ण वर्मा द्वारा नहर का पैमाइश निरीक्षण करते हुए कहा गया कि बरसात के पहले पहले तक हर हालत में इस भड़ायल ड्रेन नहर का पुल का निर्माण करा दिया जाएगा। इस मौके पर नहर विभाग से सहायक अभियंता शकुंत त्रिवेदी, अवर अभियंता दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, आदित्य कुमार आदि ने देर शाम तक पैमाइश की। साथ ही इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चित्रांसी, प्रवीण सिंह राजन, जिला उपाध्यक्ष पीयूष तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी अनिल सिंघानिया, अर्पित गुप्ता, सरोज त्रिपाठी, गौरव गुप्ता, मिथिलेश मिश्रा, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, अनुप तिवारी, बबलू सिंह, शेष कुमार मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप सिंह, गोकर्ण मौर्य सहित तमाम ग्रामीण किसान मौजूद रहे। वास्तविक समस्या है, उसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज हमारे साथ में नहर विभाग के जिम्मेदार बड़े अधिकारी समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने ध्यान देकर इस ड्रेन की दोबारा से पैमाइश की है, दोबारा से इसको नापा है, तो कुछ उम्मीदें जगी हैं। इन उम्मीदों के बारे में और पुल के निर्माण को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उनके विषय में और कब तक निर्माण होगा, कब इसकी प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी, इन सभी चीजों के बारे में हमारे साथ में जो मौजूदा आदरणीय अधिकारी महोदय आए हैं वो अपने परिचय के साथ में आप सभी को आश्वासन देंगे, आप सभी को बताएंगे। धन्यवाद भाई। हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।